छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू को सोमवार दोपहर 3:30 बजे व्हाट्सएप कॉल पर अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। अज्ञात युवक ने उन्हें जान से मारने की बात कहते हुए अपशब्द तरीके से उनके साथ बातचीत की है। इसको लेकर उनके करीबी अरविंद राजपूत ने कोतवाली थाने जाकर लिखित शिकायत की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के दायित्व में हूँ। इस नाते माननीय सांसद जी के साथ हमेशा प्रवास पर और उनके कार्यक्रमों में साथ में रहता हूँ। आज दोपहर 3:30 पर माननीय सांसद जी का मोबाइल मेरे पास था, उस पर एक व्हाट्सएप पर एक नंबर आया जो विदेश का है। तो मैंने माननीय सांसद जी को बताया कि ये नंबर है विदेश का, तो बोले बात कराओ। तो क्या हुआ कि मैंने ही हैंड फ्री किया और ऐसा हाथ में उनके सामने रख दिया। उन्होंने माननीय सांसद जी से बड़े अशब्दों में बात की और अशब्दों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मारने की धमकी भी दी। और माननीय सांसद जी ने रिप्लाई कुछ दिए नहीं, लगभग 1 मिनट तक वो बोलते रहा। इसके बाद हमने फ़ोन काट दिया। चूँकि माननीय सांसद जी छिंदवाड़े के बड़े लोकप्रिय सांसद हैं और जब से वो सांसद निर्वाचित हुए हैं दिन रात छिंदवाड़े के चहुमुखी विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमेशा प्रवास पर रहते हैं, तो हमें कार्यकर्ता के नाते मुझे चिंता है कि कहीं ऐसे ही कोई उनके साथ दुर्घटना ना हो। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन के पास आया हुआ हूँ, यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आया हूँ। अब मैं मांग करता हूँ कि उन पर इतना जो उनकी जान पर कहीं कोई बात ना आए, इसलिए सुरक्षा भी प्रदान की जाए और इस मामले में कार्रवाई की जाए। आज जो है हमारे जिले के सांसद महोदय श्री विवेक बंटी साहू जी की मोबाइल पर एक व्हाट्सएप नंबर से +92 करके वो पूरी सीरीज थी और उससे फ़ोन आया। जब उनके निस्सहायक ने वो फ़ोन अटेंड किया तो पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने कुछ ही बताने से मना किया और बोले तू कौन बोल रहा है। उससे अभद्रतापूर्ण बात करने लगा। जब उनसे और पूछा गया तो वह गाली गलौज और जान से मारने की धमकी इनको देने लगा। बोले तुम और तुम्हारे जो बॉस हैं है ना, ज़्यादा बाहर निकलते हो, बाहर निकलना भूल जाओगे और सीधा ऊपर देखोगे। इस तरीके की जो थ्रेटनिंग टाइप की बातें जो है उसने किया। तत्काल ही हमको सूचना मिली है और लिखित में हमने आवेदन भी ले लिया है। इसमें FIR 296 तथा 354 BNS के तहत हम FIR कर रहे हैं और उसमें जो +92 सीरीज जो कि पाकिस्तान की सीरीज होती है, हो सकता है इंटरनेट कनेक्ट करके कोई कर रहा हो या फिर कोई गुमनाम या अचानक से कोई नंबर आ गया हो जो कि इस तरीके का दहशत फैलाने के लिए भी कर सकता है। ये सभी बिंदुओं पर हम जांच करेंगे। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के सख्त निर्देश मिले हैं, इसमें शीघ्रता से FIR करके इसमें हम गंभीरता से विवेचना करेंगे। इस कॉल के बाद तत्काल सुरक्षा को लेकर रिव्यू क्या किए जा रहे हैं? नहीं देखिए, यह पहले तो कॉल की सत्यता की जांच हम कर रहे हैं, पूरा साइबर सेल से उसकी वो की जाएगी। बाकी चूँकि जनप्रतिनिधि हैं तो उनको इस तरीके से वो तो रहती है, जिस पे सुरक्षा की दृष्टि से हम उसको गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप कॉलिंग पर उन्हें धमकी दी गई है, सामने वाले ने सीधे तौर पर जान से मारने की बात कही है। गौरतलब है कि सांसद एक दिन पहले ही केदारनाथ यात्रा से लौटे हैं।